अस्सलाम वालेकुम। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम जिस फसल के मतलब बात करेंगे उसको जादुई या मुआजाती फसल भी कहा जाता है, यानी ये एक ऐसी फसल है जिससे आप बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पाकिस्तान में अभी इस फसल को लगाने का रुझान बहुत कम है। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 5 करोड़ एकड़ रकबे पर फसलें काश की जाती हैं, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां और फसलें होती हैं। उनमें से सिर्फ 1200 एकड़ रकबा पर जीवन लहसुन काश किया जाता है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात बताना है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जितनी भी जगह हो, इस फसल को ज़रूर ज़रूर काश करें। आपके पास 1 कनाल हो, 10 मरले हो, 10 कनाल हो या 20 कनाल हो, इस फसल को ज़रूर से ज़रूर काश करें। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस फसल से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। आप ये कभी मत सोचें कि आपके पास जगह कम है। जितनी कम जगह हो, जितनी भी जगह हो, इस फसल को ज़रूर ज़रूर काश किया जाए। पाकिस्तान की मांग का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में काश्त होने वाली ये फसल सिर्फ बीज, फार्मास्यूटिकल कंपनी और दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए ही इस्तेमाल हो रही है, यानी अभी तक आम इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। हम आपको बताते हैं कि कम से कम ज़मीन पर भी इसको कैसे काश किया जा सकता है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक छोटे से प्लॉट के अंदर इसको काश किया गया है, यानी 2 मरले या 4 मरले या 5 मरले में छोटी छोटी जगह पर भी इसको काश कर सकते हैं। इसी से इसके बीज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 मरला ज़मीन के ऊपर आपका टोटल खर्चा 42,000 रुपया आता है, जिसमें बीज, अद्वियात, ट्रैक्टर, मजदूरी वगैरह का तमाम खर्चा शामिल है। इस खर्चे से आपके जो बल्ब या पौधे तैयार होंगे उनकी तादाद 4 से 5 हज़ार के दरमियान होगी। अगर आपकी फसल 30% भी बेहतरीन हुई है तो एक पौधा आपका 2,000 रुपये तक का फरोख्त हो सकता है, यानी आप 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा करके 8 से 9 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। बात सुनने में नाकाबिल यकीन है, लेकिन यही सच है कि पाकिस्तान के अलावा आलमी दुनिया में इसकी बहुत मांग है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको हाथों हाथ खरीद रही हैं। अभी पाकिस्तान अपनी ज़रूरत पूरी करने से भी बहुत पीछे है। का G1 बीज इस्तेमाल करें जो कि सर्टिफाइड भी हो। आपको G1 बीज 1 किलो 6 से 7 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा। मुस्तकबिल करीब में इसकी कीमत बढ़ के 9 से 10 हज़ार रुपये तक हो जाएगी और इसका मिलना फिर भी मुश्किल होगा। जितना रकबा आपको बताया गया है, तकरीबन 10 मरले, इसमें आपका 40 से 45 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है। मौजूद ज़मीन का इंतखाब करें। अच्छी फसल के लिए एक से दूसरे पौधे के दरमियान का फासला तकरीबन कम से कम 8 इंच तक ज़रूर रखें। इस तरीके से आपका 10 मरले में आपका 6 से 6.5 किलो तक बीज का खर्चा आएगा। अच्छी बात यह है कि इसको किसी भी मजदूरी खाद की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आम मुर्गियों का बुरादा या उसकी बीट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश की एक बेहतरीन मकदार मौजूद होती है। G1 फसल की उगाई शुरू में मुश्किल ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये बहुत कम मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा मुनाफाबख्श फसल है और तकरीबन 2030-2032 तक पाकिस्तान में इस फसल का बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल है। वैसे तो इस फसल को बेड पर लगाना ज़्यादा मौजू होता है, लेकिन अगर आपके पास जगह कम हो तो ज़मीन को नरम करके इसको बगैर बेड के भी काश किया जा सकता है। G1 लहसुन पे बनने वाली जितनी भी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, उसमें एक बात पे सारों का इत्तेफाक है कि इस फसल का मुस्तकबिल अगले 10 साल तक पाकिस्तान में ज़्यादा है। और इस बात पे भी इत्तेफाक है कि इसका एक तैयार पौधा 1500 से 2000 के दरमियान फरोख्त होता है, क्योंकि इसका वजन 200 से 300 दरमियान होता है। तो देर न करें, आज ही इस फसल को उगाने के लिए मुसम्मम इरादा करें। G1 लहसुन की काश के मतलब मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।